जिले समस्त तहसील और विकासखंड से हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर प्रांगण ग्राउंड में उपस्थित मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सतीश गुंडाने द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक तक अधिकारी कर्मचारी की न्याय उचित मांगों को पूर्ण नहीं किए जाने पर पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित हैं। कोरोना काल में कर्मचारियों अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाया। इसके बदले में न वेतन वृद्धि का एरियर के आदेश हुए, न महंगाई भत्ता के आदेश हुए, प्रमोशन भी नहीं दिए जा रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी संविदा पेंशनर कर्मचारियों स्थायी कर्मचारियों की मांगों को भी नजरअंदाज किया गया है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार का विरोध दर्ज कराया। आंदोलन में आगे की रणनीति के बारे में संगठन के जिला अध्यक्ष सतीश गोंडा ने विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें विगत दो माह से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि एरियर, पदोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली, एचआर एवं अन्य संवर्गों की जो मांगे हैं, उनके लिए ये आंदोलन हमारा विगत दो माह से चल रहा है, लेकिन शासन स्तर से अभी तक किसी प्रकार के कोई शासन आदेश नहीं हुए। और इसी कड़ी में आज यहाँ का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन का आयोजन हमने किया है, और जिसमें पूरे जिले के अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ शामिल होकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और आगामी जो हमारी 28 और 29 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है, उसमें सभी शामिल होने हेतु सभी ने अपना आश्वासन दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आदरणीय महोदय कर्मचारी अधिकारी शासन की योजनाओं में उसको पूर्ण करने में अपना पूरा तन मन धन से योगदान देते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कोरोना काल में अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया है, वैक्सीनेशन का काम में पूरे अधिकारी दिन रात से भिड़े हुए हैं, लेकिन महोदय करोड़ों रुपए दूसरी जगह बांटे जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों की तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। सारे अधिकारी का छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रवार की रिपोर्ट।